इंदौर में दीपावली पर लगने वाले रीजनल पार्क मैदान पर फटाकों की दुकान का निरीक्षण करने फायर एसपी पहुंचे। यहां एसपी ने हर एक दुकान पर पहुंचकर फायर सिस्टम चेक किया। वहीं दुकानदारों ने एसपी से घटना के दौरान कैसे इसका उपयोग हो इसको लेकर भी चर्चा की। दीपावली पर्व पर फटाकों की दुकानों में अक्सर आगजनी की घटनाएं पहले सामने आ चुकी हैं, जिसको देखते हुए शहर का प्रशासन विभाग आगजनी की घटनाओं को लेकर चिंतित रहता है, तो वहीं आगजनी को लेकर अक्सर फायर विभाग भी घेरे में आता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज फायर के एसपी राकेश खाखा ने अचानक ही फटाकों की दुकान के लगे बड़े बाजार का निरीक्षण किया। एसपी ने हर एक दुकान पर पहुंचकर फायर सिस्टमों की जांच की, तो वहीं उसके अलावा आग बुझाने के अन्य उपकरण को लेकर भी दुकानदारों से चर्चा की गई। आगामी त्यौहार के मद्देनज़र रीजनल पार्क में पटाखे की दुकान लगी हुई है, और चूंकि यहाँ पर भी एक लेटर हमें प्राप्त हुआ था जिला प्रशासन से यहाँ पर व्यवस्था लगाने हेतु, उसके पहले हमने यहाँ पर निरीक्षण कर लिया है कि हमें यहाँ पर कितने फायर टेंडर की आवश्यकता है, कितने हमें लगाना है, और उसी तरह भी सिक्योरिटी नॉर्म्स फायर एक्सटिंग्विशर सभी के पास हैं अथवा नहीं है, और उन्हें चलाने की विधि इन्हें पता है नहीं पता है, और जिन्हें नहीं पता था उन्हें सिखाया गया है। इन्हीं सब कारणों से हम यहाँ पर उपस्थित हैं।